एपी तो हमारे यहाँ बहुत काम कई दिले बा। फिर भी कुछ जानल जा। अरे इंटरलॉकिंग बन गया रास्ता, स्कूल बन गया, पक्का मकान बन गया। अब फिर धीरे धीरे टावर चालू हो जाता है। हाँ, सोलर पैनल बा, राशन मिलता। पहले कहते थे भाजपा। अच्छा हाँ, तू सर हम कुछ नहीं कहा। हाँ। भाजपा भाजपा खाली कर। अरे भाजपा जब दुनिया संसार के कार्बन कैली। हाँ, राहुल गांधी तो भी आए ना थे? ही राहुल गांधी तो अपन वही कर माटी वोटी सानत हो और क्या करते। कैसे बानी का हालचाल बाप के? बहुत बढ़िया हालचाल है बाबू। अच्छा ये पीला वाला गमछा लगे बानी कोने पार्टी के? लड़की की शादी रहा, पार्टी के नहीं हो बाबू। अच्छा, लड़की की शादी रहा वही में लाली हम पीला गमछा लगाई ला। अच्छा, हमके लगल थे कि आप राजभर पार्टी के हैं। नहीं नहीं। अच्छा कोने पार्टी के बार जिताए बा? हम तो भाजपा ही हुई सरकार। नमस्कार, मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ जनपद महाराजगंज के बनटांगिया, एक ग्राम सभा है जिसे बोला जाता है साधारण शब्दों में 24 नर्सरी। 24 नर्सरी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि आखिर चुनाव सर पे है और चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव आ गया है और ये ग्राम सभा जो है 24 नर्सरी पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर जो सरकार व्यवस्थाएँ देती है क्या इन लोगों के पास पहुँच जाती है या फिर नहीं पहुँच पाती है। कैसे बानी का हाल चाल बापली बताई? हाल चाल ठीक बा। अच्छा बताई, चुनाव सर पे बा, एक बार लोकसभा चुनाव सब पर के चुनल चाहते नहीं? भाजपा के। भाजपा के? अच्छा, भाजपा में के पसंद करे नहीं? भाजपा के ये हम तो भाई नाव सब के ना जान पाई ले, झूठ फूट नया वाला। अच्छा, नहीं मोदी जी के देवे बा? हाँ, मोदी जी। अच्छा, राहुल गांधी ना अच्छा लगे नहीं का आपके? राहुल गांधी? अरे अब राहुल गांधी जब आई है तब देखल जाए, अब अहिन तो आयल ना बाटे, जब रहल तब रहल। अच्छा, जब रहल तब काम नहीं क्लियर का? जब रहें तो कौन काम कैले हल अब यहाँ तक कौनो काम ना कैले रहें हम यहाँ। अब इतने समय जहाँ हुई हैं तहाँ करत हुई हैं, यहाँ तो ना कुछ कैले हैं। अच्छा, बीजेपी मोदी जी का काम कैले बने? ये तो बहुत कुछ कैले बाटे। फिर भी तन जानल जा चाहत नहीं आपसे का काम कैले? मोदी जी कैले बाटे हमन के मकान दहले बाटे, सोलर दहले बाटे, सड़क दहले हैं। हाँ, और का दहले हैं? ये कुल दहले हैं, राशन देता टे। अच्छा, ए बार मोदी जी के जिताए बा? अब मोदी जी के हमन के जिताउते ही जिताऊ बा। आपके का नाम है? मोहनलाल। मोहनलाल, मोहनलाल जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप? ठीक बा, ठीक बा। ए बार का सोचे तनी के वोट देवे बा? हम लोग का भैया बीजेपी सरकार है, बीजेपी रहेगा। कहा है राहुल गांधी रहेंगे? राहुल गांधी इससे पहले कोई हमारा काम ही नहीं किए हैं। अच्छा, भाजपा सरकार जब से आया जब से कुछ काम हुआ, कुछ विकास हुआ हमारे गाँव में, कुछ दिख रहा है। सांसद पंकज चौधरी बानी, कितना पसंद करने उनके? पार्टी के तरफ से हैं तो पसंद वो कर उन्हों कर जाला, लेकिन पार्टी के तरफ से हैं तो उनके भाजपा के तरफ से मिल जाला वोट, उन्हों के सारा वोट नहीं मिला। अच्छा, मोदी जी देख के वोट देने की पंकज चौधरी देख के देने? मोदी जी योगी जी के। अच्छा, हाँ, पंकज चौधरी को काम ना के लिए आपके करें ना, माध्यम से करें ना, लेकिन उतना उतु लाग से नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, यानी के जीता हुआ फिर क्या सोच रखल जा? सरकार भाजपा का ही। भाजपा सरकार आई? अच्छा, आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर निषाद। चंद्रशेखर, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। क्या सोच रहे हैं इस बार किसको चुनाव करेंगे, वो करेंगे? हम लोग तो यही बीजेपी को। बीजेपी को जी? क्यों बीजेपी, क्यों राहुल गांधी नहीं? नहीं, जैसे अभी कांग्रेस की सरकार कभी यहाँ आकर के हम लोग की हाल चाल नहीं ली। हाँ, इसीलिए नहीं, हम लोग का बार बार बीजेपी की सरकार के लोग आते जाते हैं यहाँ पर। हाँ, वही लोग हाल चाल लेते हैं, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बीजेपी क्या क्या की है? बीजेपी बहुत कुछ की है। जिस समय बनटांगिया के लोगों को राशन नहीं मिलता था, उस समय राशन कार्ड जारी करवाने का कार्य हमारे जो स्वर्गीय चंद्र किशोर जी हैं हमारे पिताजी के समय में, उस समय उन्होंने राशन कार्ड बनवाने का कार्य किया, जिसमें हमारे गांव के लोगों को राशन मिलना शुरू हुआ। और धीरे धीरे वन विभाग वाले हम लोग को एक पक्का ईंट रखने के लिए नहीं यहाँ पर देते थे, मतलब लाने नहीं देते थे रोड से कि आप लोग पक्का निर्माण नहीं करेंगे। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई और मतलब राज्य में योगी जी आए, तब से हम लोग को ईंट लाने में क्या, यहाँ 2 मंजिला मकान बना रहे हैं, कोई वन विभाग के लोग रोकने के तैयार नहीं है, कोई रोक नहीं पाता है। अभी सब लोग डरते हैं और कहते हैं कि आप लोग को मतलब राजस्व ग्राम सभा का दर्जा मिल गया है, तो आप लोग चाहे पक्का मकान बनाए चाहे बिल्डिंग बनाए, हम लोग के तरफ से कोई दिक्कतें नहीं है।
तो काफी कार्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में और राज्य में रह करके काफी कार्य की है, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यहीं तक नहीं, हमारे 18 बंटांगियां हैं महाराजगंज जिले में, 18 बंटांगियां के सभी लोग लगभग भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट अच्छा, करते हैं। बंटांगियां ग्राम सभा है, यहाँ पे पहली बार लोग जाएंगे वोट करने के लिए लोकसभा चुनाव में, तो कैसा लग रहा है आज, कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि आज हमारे बंटांगियां के लोग को लगभग 15 किलोमीटर दूर महेशपुर कबेलवा में नहीं जाना पड़ रहा है, आज अपने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर बूथ बनने की वजह से यहां पर वोट डालने को मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है, जो बुजुर्ग लोग विकलांग लोग वोट डालने के लिए नहीं जा पाते थे, हमारे गांव की परसेंटेजें कम होती थी, आज वो परसेंटेज बढ़ जाएगी और काफ़ी लोग मतदान करेंगे, तो खुशी हो रही है कि मतलब पहली बार बूथ बना है यहां पर और लोकसभा का वोट सब लोग डालेंगे। इसके पहले इस ग्राम सभा से आप लोग अलाउड नहीं थे वोट करने के लिए, लेकिन क्या आपके ग्राम सभा कभी पंकज चौधरी चाहे विधायक प्रेम सागर पटेल आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं पंकज आते थे, इससे पहले भी आए हैं पंकज चौधरी जी हैं, माननीय प्रेम सागर पटेल जी भी आते हैं और यहाँ पर जो मतलब कार्य आता है उसके विषय में जायजा लेकर के पूछताछ करते हैं हमारे ग्रामीणों से, हम लोगों से भी कि मतलब क्या दिक्कतें हैं आप लोग बताइए, इसको मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के पास पहुँचाने का कार्य करेंगे हम सब। यानी क्या उम्मीद लगाया जाए, किसको जिता रहे हैं आप, बीजेपी को? हाँ, हम तो बीजेपी को ही कहेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपके? रमेश सहनी। रमेश सहनी, कैसे वानी का हाल चल बा आपकी? अच्छा वानी। हाँ, के जीता हुआ, क्या कयास लगाओ जाए? भाजपा के। भाजपा कहाँ है, भाजपा के कहाँ है? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी का जिता बोल जाए। कांग्रेस को नहीं जिताना है? नहीं, कांग्रेस को नहीं, सिर्फ बीजेपी को जिताना है। हाँ, खाली बीजेपी। बीजेपी का काम बोल बा? बीजेपी तो हमारे यहाँ बहुत काम कर दे बा। फिर भी कुछ जाना जा? अरे ये इंटरलॉकिंग बन गया रास्ता, स्कूल बन गया, पक्का मकान बन गया, फिर धीरे धीरे टावर चालू हो जाता, सोलर पैनल बा, राशन मिलता। अच्छा, अभी तो टावर नहीं पकड़ता क्योंकि मोबाइल में? हाँ, तो वो धीरे धीरे हो जाए, जब पिलर खड़ा हो गया तो टावर आ जाए। यानी उम्मीद बा? हाँ, उम्मीद बा, भाजपा बात उम्मीद बा। अच्छा, हाँ, 24 में भाजपा के लायक बा? हाँ। चलिए, एक युवा जी हैं, युवा हैं, क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। सनोज कुमार कहाँ, यहीं बंटांगिया रहने वाले हैं? हाँ, बंटांगिया के। अच्छा, बताइए, पहली बार आप लोग लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बीजेपी को जिताना है किसी और? बीजेपी को ही। हाँ, क्योंकि इसके पहले जो सरकार थी वो कभी बंटांगिया को देखी ही नहीं। हाँ, कि बंटांगिया में लोग भी रहते हैं। हाँ, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बंटांगिया को सब जान रहे हैं। हाँ, बहुत काम हुआ है बीजेपी के द्वारा। जैसे क्या क्या काम हुआ है कुछ उम्मीद? जैसे कि हमारे वहाँ सबसे पहले आवास बनवाने के नहीं थे। हाँ, बनवाने नहीं देते थे वन विभाग वाले। हाँ, लेकिन उसके बाद में जब से बीजेपी की सरकार हुई है तब से हम लोग बनवा सकते हैं, सबको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान मिला है। और फिर गाँव में जो सड़क थी उसको भी इंटरलॉकिंग करवाए हैं। और फिर गांव में हमारे विद्यालय नहीं था, विद्यालय भी बना है। अच्छा, यानी बीजेपी को जिताना है? हाँ, बीजेपी को ही। चलिए, कहो चाचा जी हैं उधर बैठे हैं साइड में, जरा इनसे कोने में बैठे हैं, क्यों आखिर गमछा लगा करके पीला वाले, इनसे जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम बा चाचा जी आपके? गब्बूलाल। गब्बूलाल, कैसे बानी का हाल चाल बा आपके? बहुत बढ़िया हाल चाल है। अच्छा, ये पीला वाला गमछा लगे बानी कोने पार्टी के? लड़की की शादी रहा, पार्टी के नहीं हो बाबू। अच्छा, लड़की की शादी रहा, वही में लाली हम पीला गमछा लगाईला। अच्छा, हमके लगल थे कि आप राजभर पार्टी के हैं। नहीं नहीं। अच्छा, कौन पार्टी के बार जीता हुआ? हम तो भाजपा ही हुई सरकार। भाजपा ही? हाँ। अच्छा, कहाँ है भाजपा ही, कहाँ है कांग्रेस? नहीं जीता नहीं कांग्रेस, हम मन के जानते नहीं रहा कि बंटांगी हम आदमी हैं। अच्छा, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, अब भाजपा सरकार हमन के राशन कार्ड बनौली। अच्छा, दूसर पार्टी के हो नहीं। हाँ, तब भाजपा जीता हुआ? हाँ, भाजपा। हम तो पहले कह देती भाजपा। अच्छा, हाँ, तू सर हम कुछ नहीं कहा भाजपा। भाजपा खाली कर, अरे भाजपा जब दुनिया संसार के कार्बन कैली। हाँ, राहुल गांधी तो भी आए? नहीं, राहुल गांधी तो अपन वही कर माटी वोटी सानत हो और क्या करते। हाँ, भाजपा जीता हुआ? हाँ, भाजपा के। तो यहाँ बंटांगिया ग्राम सभा है, 24 नर्सरी जिसे कहा जाता है, इस ग्राम सभा में आया, देख जानने का प्रयास किया आखिर। अच्छा चाचा जी, जिना व्यवस्था मिल रहा सरकार भेजल का धरातल पे मिल जाए आप लोग के? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, सब कुछ पर्याप्त हो जाए? हाँ, सब मिल रहा। बीजेपी बीजेपी चिल्ला? हाँ, हाँ, अच्छा,
तो इस बनटांगिया ग्राम सभा में जितने लोग भी हैं सारे लोग बीजेपी को वोट करेंगे। इन लोगों का यही मुद्दा है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा काम किया है और बीजेपी को हम लोग जिताएंगे। कांग्रेस का मैंने जब नाम लिया तो इन लोगों का सीधा सीधा कहना था कि कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम पर कोई यहाँ पर ये नहीं जानता था बनटांगिया में लोग हैं, लेकिन जब बीजेपी आए तो बीजेपी ने जाँच किया, पड़ताल किया और आज पता चला कि बीजेपी समझ गई कि बनटांगिया में लोग हैं और हम लोग पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे तो इस बार बीजेपी को ही वोट करेंगे। बाकी जो धरातल पे जो सरकार की सुविधाएं वो इन लोगों का कहना है कि मिलती है हम लोगों को। ये छोटा सा प्रयास था, मैं दिखाने का प्रयास किया कि चुनाव सर पे है और देखते हैं इस बार किसके सर पे सेहरा होगा। तो सीधा सीधा लोगों का कहना था बीजेपी को जिताना है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके जो बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।